तो हम लोग मैटर की ड्यूअलिटी की बात कर रहे थे, ठीक है ना। तो यहाँ से कंटिन्यू करना है हमें पार्टिकल नेचर। तो वेव नेचर की हमने बात कर ली थी, यहाँ पे छोटा सा लेक्चर एक बन गया था, क्या कहते हैं, वेव नेचर पर, ठीक है ना। मैंने सोचा था कि दूसरे लेक्चर में लगाऊंगा, लेकिन ये बहुत सा छोटा सा था और बंद कर दिया था, तो मुझे कर लेना चाहिए था साथ में। बट या इट्स ओके, लेट्स कंटिन्यू। चीजें तो चलती ही रहती हैं। पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, मतलब कि उन वो जो रेडिएशन है उनके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर हम देखते हैं, ठीक है। और इसमें जो आएगा प्लैंक्स की थ्योरी आएगी, सम ऑफ इसी में आपको फोटोन का कॉन्सेप्ट पहली बार नजर आएगा, मुझे जहां तक लगता है। लेट्स सी व्हाट गोइंग इन हियर। सम ऑफ द एक्सपेरिमेंटल फिनोमेनन सच एज डिफ्रेक्शन एंड इंटरफेरेंस कैन बी एक्सप्लेन बाय द वेव नेचर। तो जब आप इंटरमीडिएट में जाएंगे तो आप डिफ्रेक्शन पैटर्न्स के बारे में देखेंगे और इंटरफेरेंस के बारे में समझेंगे, ठीक है। वैसे एस्ट्रक्स तो दिया है, बशर्ते देखते हैं क्या बात हुई है, इन्होंने क्या समझाया। बशर्ते डिफ्रेक्शन पैटर्न्स वो होते हैं कि जब किसी सोर्स से लाइट चलती है, वो एक स्लिट से निकलती है और फिर उसे दो छोटे छोटे स्लिट से निकाला जाता है। तो ये वेव्स जो होती हैं, जो ये वेव इधर से चली हैं, यहाँ को आई हुई हैं, ठीक है, तो यहाँ पे एक नए तरह से चलने लगती है, ये एक नए सोर्स की तरह बिहेव करती हैं, ठीक है ना। और इस बिहेवियर के होने की वजह से यहाँ एक पैटर्न जनरेट होता है, ठीक है ना। और यही जब आपस में इस तरह से बनती हैं तो एक जगह कंस्ट्रक्टिव और एक जगह डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। तो ये पॉइंट कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा, जहाँ पे इन वेव्स की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। और जहाँ पे ये अपोजिट फेज में मिलती है, इसमें फेज की भी बात होती है, आप ध्यान दीजिएगा कि जैसे मान लीजिए कि एक अपोजिट फेज इन ग्रीन लाइंस के बीच में हमने रेड लाइन की भी बना दी, तो ये एक रेड लाइन और एक ग्रीन लाइन जब मिलेंगे तो वहां डिस्ट्रक्टिव फेज हो जाएगा, ठीक है, डिस्ट्रक्टिव फेज। तो वहां पे इंटेंसिटी बहुत ही ज्यादा लो हो जाएगी। बट जब एक रेड लाइन या फिर दो रेड लाइन या फिर दो ग्रीन लाइन ही मिलेंगे तो वहां पे कंस्ट्रक्टिव वो हो जाएगा, या तो एकदम कम हो जाएगा या तो एकदम से ज्यादा ही हो जाएगा, ठीक है ना। सॉरी, वहां पे ज्यादा हो जाएगा, दोनों लाइन अगर जो ज्यादा मिलेगी, अगर जो डिस्ट्रक्टिव फेज में है तो डिस्ट्रक्शन ही ज्यादा हो जाएगा, कंस्ट्रक्टिव में है तो कंस्ट्रक्शन ज्यादा हो जाएगा। ये चीजें आपको इंटरमीडिएट में और अच्छे से समझने को मिलेंगी। तो उन्हीं दो नेचर्स की बात कर रहा है कि वो वेव नेचर शो करते हैं, वेव्स का ये नेचर समझ में आया। हाउएवर फॉलोइंग आर सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन व्हिच कुड नॉट एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ इवन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी इन 1907, बट कोई प्रॉब्लम्स आई जो कि आगे मेंशन करी जा रही हैं, इसलिए इनके इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का एक नेचर पार्टिकल नेचर भी सामने आया। द नेचर ऑफ एमिशन ऑफ रेडिएशन फ्रॉम हॉट बॉडीज, दैट इज ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ठीक है, कि आखिर में ये ब्लैक बॉडीज जो हैं या फिर गर्म जो बॉडीज है जब हॉट करते हैं, तो मैंने बताया था रेड कलर सबसे पहले दिखने लगता है, तो वो रेड कलर कहाँ से आ रहा है। इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सर्फेस व्हेन रेडिएशन स्ट्राइक्स इट, मतलब कि हमने देखा कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स भी किए कि आप कैथोड रेस देख रहे हैं, कैथोड रे एक्सपेरिमेंटेशन, तो आप कैथोड रे का एक्सपेरिमेंटल जरा सा और यहाँ मॉडिफाइड तरीके से दिखाता हूँ। मान लीजिए वहां पे ये एक कैथोड प्लेट थी, इसको जोड़ा गया था नेगेटिव टर्मिनल से, ठीक, इधर एक पॉजिटिव टर्मिनल रखा गया, यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल रख दिया। जब सर्किट कंप्लीट होती थी तो यहां से एक रे निकलते हुए हम लोग देखे वैक्यूम में, बशर्ते अब देखिए उसका अलग अंतर क्या किया गया, डिफरेंस क्या किया गया, कि इसके बीच में एक मीटर लगा दीजिए, तो इसका अपोजिट भी होना चाहिए एक्शन का रिएक्शन। अब यहां पे कोई एक रे गिराया गया इस पे, ठीक, तो यहां से कुछ रे कुछ पार्टिकल्स निकले, जो इलेक्ट्रॉन्स निकले इस पे जाके स्ट्राइक किए और यहाँ पे सर्किट कंप्लीट हुआ, यहाँ वोल्ट मीटर में डिफ्लेक्शन आने लगा। तो आखिर में ये कैसे हो रहा है, ठीक है, वो वेव नेचर आ रहा है, वेव को कैसे यहाँ पे कन्वर्ट किया जा रहा है, कन्वर्ट करके ये पार्टिकल से इलेक्ट्रॉन को कैसे निकाल पा रहे हैं, तो इन सभी चीजों को भी समझने की जरूरत पड़ी, ठीक है। जरा सा अलाइन करूँ, हाँ, या,
वेरिएशन ऑफ हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, तो हीट कैपेसिटी जो सॉलिड्स की होती है वो टेम्परेचर के फंक्शन में वर्क करती है कि टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होती है। ठीक है, हीट कैपेसिटी उष्माधारिता इसे हिंदी में बोलते हैं। देखते हैं आगे, ये भी इंटरमीडिएट का की चीजें हैं, आपको आगे हो सकता है फिजिक्स में मिले, बात तो इंटरमीडिएट की ही हो रही है। एक्चुअली मुझे याद रहता है मैं हाई स्कूल के भी लेक्चर्स बना रहा हूँ, तो केमिस्ट्री का वो बनता है, तो और केमिस्ट्री 11वीं में केवल केमिस्ट्री का बना रहा हूँ, 10वीं में बायोलॉजी और केमिस्ट्री दोनों बना रहा हूँ, तो यहाँ जरा सी मुझे मेरे ब्रेन में ऐसा है कि ये हाई स्कूल का ही बन रहा है, बट खैर वो देखते हैं। डिफ्रेक्शन इज द बेंडिंग ऑफ वेव अराउंड एन ऑब्स्टिकल। तो डिफ्रेक्शन जो है एक बेंडिंग होता है अराउंड एन ऑब्स्टिकल। अच्छा, एक वो चीजें मैं बताना भूल गया, सॉरी, डिफ्रेक्शन तो इंटरफेरेंस वहां बताया ही था, डिफ्रेक्शन पैटर्न्स जो बनते हैं उनको जरा सा ध्यान दीजिए कि वो क्यों बनते हैं। उनकी बात ये थी कि आप मान लीजिए आप जानते हैं कि लाइट स्ट्रेट लाइन में चलती है, ठीक है भाई, फिर तो बात जब आती है सूरज से, जब कोई लाइट चल रही है, आपका घर बना हुआ है और उसमें एक कोई वो बना है, ठीक है, ये हो गया यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे करते हैं, अब यहां से रे आएगा, अरे वाइट हो गया, तो ये हो गया, यहां से रे आएगा सीधी लाइन में चलेगी, तो जितना बड़ा ये होल है उतने की उतने पे ही लाइट बन के रह जाएगा, बशर्ते आप देखते होंगे कि इतने ही लाइट आने की वजह से पूरे कमरे में रोशनी हो जाती है, रोशनी तो पूरे कमरे में हो जा रही है, तो जब लाइट एक स्ट्रेट लाइन में चल रहा है तो दूसरे जगह कैसे लाइट्स पहुंच जा रही है, वो एक जगह लाइट दिखाए रोशनी हो और जगहों पे अंधेरा हो जाए, हाँ, so what can we do, what are the things have going to be there, तो होता है यूं है कि जब ये लाइट के रेज यहाँ पे गिरते हैं ना, तो इसके एंगल से हल्का हल्का मुड़ते भी हैं, डिफ्यूज भी होते हैं, ठीक है ना, ये दूसरी तरफ मुड़ते भी हैं, सीधी लाइन पे नहीं चलते। कहने का मतलब ये है कि जब एक लाइट सोर्स से एक पतला मान लीजिए छेद है, अरे यार अब तो परेशान हो गया, ये है और ये एक पतली सी स्लिट है, ठीक, अब यहाँ पे एक लाइट सोर्स से यहाँ पे जा रहा है, तो इसको ये सीधा ना जाके इसके इसके साथ ये हल्का सा मुड़ भी जाता है, सीधा ना जाके ये हल्का सा मुड़ भी जाता है, ठीक है ना, ये तो जाएगा ही जाएगा, बट यहाँ भी मतलब कि यहाँ इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है फिर यहाँ पे डाउन हो जाती है, यहाँ पे कम इंटेंसिटी आती है, तो यही चीज यहाँ समझाने की कोशिश की जा रही है डिफ्रैक्शन में। तो मैं जानता हूँ ये चीजें एक्स्ट्रा है, बट आपको वहाँ फिजिक्स में भी समझने में मदद मिलेगी कि ओ सर इसी की बात कर रहे थे, तो इसलिए जानना जरूरी है, और किताब पागल नहीं है कि इतना बता रहा है तो आपको यहाँ पे केमिस्ट्री की ही बात करनी चाहिए। एक्चुअली जब आप बड़े होगे तो आप देखेंगे सभी चीजें मिल गई हैं। मेरा जो पीएचडी वर्क चल रहा है, मैं बायोलॉजी के क्षेत्र में काम कर रहा हूं, सीएसएसबी जर्मनी, ठीक, सेंटर फॉर सिस्टम स्ट्रक्चरल सिस्टम्स बायोलॉजी, बायोलॉजी के लिए है, बट काम किस पे हो रही है, बायोफिजिक्स पे। तो बायोफिजिक्स से आप नाम सुन ही लिए ना कि फिजिक्स इसमें आ रहा है बायोलॉजी में, तो बायोलॉजी तो मिल गया, लेकिन अब काम एक्चुअल किस पे होगा, प्रोटीन्स पे, केमिस्ट्री आई कि नहीं भाई। तो आप देखिए जब बड़े लेवल पे जाते हो ना, तो इन सभी चीजों को एक साथ मिला के पढ़ना होता है, और यही यूट्यूब पे बहुत सारे लेक्चर्स आ रहे हैं, बट यही काम वहां नहीं किया जा रहा है, और जानते हैं सफलता की सब गारंटी दे देंगे, लेकिन एक्चुअल रीजन जानते हैं क्या है उसके पीछे, कि अगर वो बंदा पहले किताब पढ़ा है तो आज यूट्यूब पे पढ़ के समझ लेगा, क्योंकि यूट्यूब पे जल्दीबाजी में सब कुछ किया जा रहा है, बशर्ते अगर आप किताब नहीं पढ़े हो तो यहाँ इस चैनल पे किताब पढ़ो, जाके कहीं भी तैयारी करो जा यार, या फिर आगे तैयारी कराएंगे तो उसका कंटिन्यू करिएगा, लेकिन किताब तो पहले पढ़ना होगा ना, तो ये आपकी बात है। ओके, आते हैं नेक्स्ट, लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ एटम।
विद स्पेशल रेफरेंस टू हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन में जब ये हुए थे एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे, तो उसमें देखा जाता है कि अब वहां रेज जो निकलती है, यही चीज हाइड्रोजन पे बॉम्बार्डमेंट कराया गया। आप ऐसा समझ लीजिए जैसे वो कैथोड रे ट्यूब वाला एक्सपेरिमेंट दिखाया हूँ, तो हाइड्रोजन एटम पे बॉम्बार्डमेंट कराया गया, तो एक कंटिन्यूअस लाइट नहीं निकलती है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ कुछ दूर ऊपर तो आपने एक कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा देखा है ना, यहाँ पे ये कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा है ना, यहाँ से 400 से 401, 402, 403, 404, 405 और 750 तक जा रही है। लेकिन वहां पे देखने को मिला कि कभी यहाँ पे जब उनके स्पेक्ट्रा निकले तो कुछ एक कुछ यहाँ पे निकले, दो चार यहाँ पे निकले, दो चार यहाँ पे निकले, ये बीच वाला एकदम गायब है, ठीक है, या फिर इसमें भी एक रीजन है, ये रीजन बिल्कुल गायब है। आखिर में ऐसा क्यों हो रहा है भाई? लाइट निकले तो भाई क्लियर निकले, आपके वहां जो सोर्स से लाइट निकली है, आपके बल्ब से, आप प्रिज्म से देखेंगे तो ये एक कंटिन्यूअस लाइन दिखेगी नहीं, बैनिहापी नाला है विबग्योर दिखेगा ना, बशर्ते हम कहें कि अरे यार यहाँ तो या तो ब्लू दिख रहा है, या तो रेड दिख रहा है, या तो येलो दिख रहा है, बीच के सारे कलर गायब है, तो आपको क्यूरियोसिटी होगी ना कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो वही चीजें यहाँ हाइड्रोजन हाइड्रोजन एटम के साथ हुई कि एक पर्टिकुलर उसमें स्पेक्ट्रा ही दे रहा था, ठीक है। दीज फिनोमेना इंडिकेट्स दैट द सिस्टम कैन टेक एनर्जी ओनली अ डिस्क्रीट अमाउंट। क्या गजब की बात कही है, एक लाइन में निपटा दिया। कहने का मतलब यह है कि जैसे याद करिए बायोलॉजी में मैंने कहा है कि एक सेल फंडामेंटल यूनिट जो है आपका एक सेल है, उससे कम कुछ नहीं, तो वही डिस्क्रिशन यहां भी रखा जा रहा है कि कम से कम एक या ज्यादा, दो क्यों लिखा है, ठीक है, इससे कम नहीं। तो वो एक यूनिट जब कंप्लीट होगा ना, तभी वहां से स्पेक्ट्रा या लाइट निकलेंगी, नहीं तो नहीं निकलेंगी। समझ में आया? ऑल पॉसिबल एनर्जी कैन नॉट बी टेकन अप और रेडिएटेड। अब यहां एक यूनिट का मतलब क्या है कि वही जो एक पर्टिकुलर एनर्जी एक्सेप्ट कर सकता है, या फिर वही एक पर्टिकुलर एनर्जी यहाँ एंटर कर सकती है और उसी के कंपैरिजन में दूसरी एनर्जी वहां से निकलेगी। तो एक पर्टिकुलर स्पेक्ट्रा एंटर करेगा और दूसरा पर्टिकुलर स्पेक्ट्रा वहां से निकलेगा, कंटिन्यूअस नहीं निकलेगा, कोई भी एनर्जी नहीं निकल जाएगी, एक डिस्क्रीट अमाउंट में एनर्जी निकलेगी, ठीक है। इट इज नोटवर्दी दैट द फर्स्ट कॉन्क्रीट एक्सप्लेनेशन फॉर द फिनोमेनन ऑफ द ब्लैक बॉडी रेडिएशन मेंशन्ड अबव वाज गिवन बाय मैक्स प्लैंक। तो ब्लैक बॉडी जो थी वो क्या निकाल रही थी, आईआर की कुछ फ्रीक्वेंसीज निकाल रही थी, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी, और उसे इन्होंने एक्सप्लेन किया। लेट अस फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस फिनोमेनन व्हिच इज गिवन बिलो। अब हम कुछ फिनोमेनन समझने जा रहे हैं जो कि यहाँ पे दिया। हार्ट ऑब्जेक्ट्स एमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ओवर अ वाइड रेंज ऑफ वेवलेंथ एट हाई टेम्परेचर एंड अप्रिशिएबल प्रोपोर्शन ऑफ रेडिएशन इज इन विजिबल रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम। कहने का मतलब ये है कि एक ब्लैक बॉडी, ब्लैक बॉडी का मतलब क्या होगा, हिंदी हिंदी की इसको नहीं समझ में आ रही है तो अभी समझा देता हूं, कृष्णिका, कृष्णिका कहते हैं, अब आप समझिएगा, कृष्ण मतलब काला होता है, भगवान जी का नाम है, आप समझते होंगे, बशर्ते। तो इन्होंने देखा कि ब्लैक बॉडी को जब ऑब्जर्व किया गया तो वहां से कुछ स्पेक्ट्रम निकल रहे हैं। अब ध्यान दीजिएगा, आप कहते हैं काली चीजें मोस्ट ऑफ दी कलर्स को अब्जॉर्ब कर लेती हैं, तो आप ध्यान रखिए हर एक्शन का रिएक्शन होता है, तो जो चीजें अब्जॉर्ब करेंगी ना, जो चीजें अब्जॉर्ब करेंगी वो एमिट भी उतनी ही तेजी से करेंगी, ठीक है। सो द मेन फिनोमेना, जब हम ब्लैक होल की कभी बात करेंगे भविष्य में, तो ब्लैक होल किसी मटेरियल्स को एब्जॉर्ब कर रहा है ना, तो वो निकालता भी है प्लाज्मा के फॉर्म में, बहुत दूर दूर तक, कई लाइट ईयर दूर तक वो फेंकता है कंप्रेसर के, ठीक है ना, तो आप इसका ख्याल रखिएगा। खैर हमारे काम का यही है कि जो चीजें अब्जॉर्ब भी करती हैं वो एमिट भी उतनी ही तेजी से करती है, अगर जो रेडिएशन को ये अब्जॉर्ब कर रही है तो रेडिएशन को एमिट भी बहुत तेजी से करेगी, ठीक है। अब जब ये हाई टेम्परेचर पे होती है, बहुत ही हाई टेम्परेचर पे, आप समझ लीजिए किसी भी काले
लोहे के पदार्थ को आप गर्म कर रहे हैं तो वो किस कलर में दिखने लगती है? रेड एंड देन व्हाइट। ठीक, तो जब ये हाई टेम्परेचर पे होती हैं तो ये रेड और व्हाइट हमें दिखने लगता है, तो उसी विजिबल रेंज की यहाँ बात हुई है कि विजिबल स्पेक्ट्रम में भी शो करते हैं हाई टेम्परेचर पे। एज द टेम्परेचर इज रेज्ड अ हायर प्रोपोर्शन ऑफ शॉर्ट वेवलेंथ दैट इज ब्लू लाइट इज जनरेटेड। और जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है वो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ या फिर हायर प्रोपोर्शन ऑफ शॉर्ट वेवलेंथ के ये लाइट्स निकालने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हेन एन आयरन रॉड इज हीटेड इन अ फर्नेस इट बर्न्स विद डल रेड एंड देन प्रोग्रेसिवली बिकम मोर एंड मोर रेड एज टेम्परेचर इंक्रीजेस। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि यहां तो कह रहा है एज टेम्परेचर रेज अ हायर प्रोपोर्शन ऑफ शॉर्ट वेवलेंथ इज जनरेटेड, ये जनरेट हो रहा है, बट दिख क्या रहा है, हमें रेड दिख रहा है। एज दिस इज हीटेड फर्दर द रेडिएशन एमिट्स बिकम व्हाइट एंड देन बिकम ब्लू एज द टेम्परेचर बिकम हाई। तो आप देखिएगा कि जब फर्नेसेस में आयरन को बहुत ही तेजी से, मे बी अभी तक आप लोग नहीं देखे होंगे, बट वो ब्लू दिखने लगती है, ब्लू लाइट दिखने लगती है। ठीक है, अब एक इसी के ऑब्जर्वेशन के हिसाब से आप देखते होंगे जनरल नॉलेज की किताब, वो बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियोस लोग बनाए हैं, हमको लगता है कि बहुत वो स्पेशल थॉट बता दिए, बट उसके पीछे रीजन क्या है? वो कहते हैं कि हमारे सूरज से बड़ा भी सूरज है और सूरज के कंपैरेटिवली साइज बढ़ती जा रही है, और इन सूरज का क्या है, तो उसमें देखेंगे कि हमारे सूरज का टेम्परेचर बहुत ही कम है और इससे बहुत बड़े बड़े सूरज भी हैं और वो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करते हैं। तो वहां पे देखेंगे नीले कलर का जो सूरज होता है ना वो बहुत ही ज्यादा गर्म होता है, नीले कलर का तारा जो होता है। ठीक है ना, समझ में आया? ओके, तो इस पे भी बहुत सारी वीडियोस बनाई गई हैं। दिस मींस दैट रेड रेडिएशन इज मोस्ट इंटेंस एट द पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड द ब्लू रेडिएशन इज मोर इंटेंस एट द अनदर टेम्परेचर। इनके कहने का मतलब ये है कि रेड कलर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ज्यादा दिखेगा और ब्लू कलर अपने एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ज्यादा दिखेगा। अब धीरे धीरे ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये डिस्क्रीट, जो डिस्क्रीट वर्ड यूज हुआ ना तो उसकी बात कर रही है। तो पर्टिकुलर टेम्परेचर का मतलब क्या है? पर्टिकुलर टाइप ऑफ एनर्जी, पर्टिकुलर लेवल ऑफ एनर्जी। तो एक एनर्जी लेवल पे ये दिखेगा, दूसरे एनर्जी लेवल पे ये दिखेगा। ठीक है ना, और इसीलिए हो सकता है एक पर्टिकुलर एनर्जी लेवल पे आपको एक स्पेक्ट्रम दिखे, दूसरे एनर्जी लेवल पे दूसरा स्पेक्ट्रम मिलेगा या दूसरे स्पेक्ट्रम रेंज का रेडिएशन मिलेगा। ठीक है, दिस मींस इंटेंसिटीज ऑफ द रेडिएशन ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ एमिटेड बाय हॉट बॉडी डिपेंड्स ऑन इट्स टेम्परेचर। मतलब कि जब किसी भी हॉट बॉडी से कोई वेवलेंथ एमिट हो रही है तो वो उसके टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होती है। बाय लेट 1850 इट वाज नोन दैट ऑब्जेक्ट मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल एंड केप्ट इन डिफरेंट टेम्परेचर केप्ट एट डिफरेंट टेम्परेचर एमिट डिफरेंट अमाउंट ऑफ रेडिएशन। कहने का मतलब ये है कि 1850 तक ये जाना जाता था कि जो ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट मटेरियल से बने हैं वो डिफरेंट अमाउंट ऑफ रेडिएशन शो करते हैं क्योंकि वो डिफरेंट मटेरियल से बने हैं। ठीक है, ऑल्सो When the surface of an object is radiated with light, जैसे कि मैं कहा उल्टी चीजें जब करी गई कि एक मटेरियल लिया गया उसमें लाइट को गिराया गया, ठीक है ना, लाइट को गिराया गया, a part of radiant energy is generally reflected as a part is absorbed and part of it is transmitted। अब इसमें क्या है कि इनके कहने का मतलब है कुछ इस लाइट एनर्जी का कुछ पार्ट रेडिएट हो गया, बाहर निकल गया वापस, कुछ इसी में अब्सॉर्ब हो गया, और अगर जो चीजें पतली रहीं तो कुछ यहां से ट्रांसमिट भी कर गया। ठीक है ना, तीन फेनोमेनॉन हो सकते हैं। ठीक, द रीजन फॉर इनकम्प्लीट एब्जॉर्प्शन इज दैट ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट्स आर एज अ रूल इम्परफेक्ट एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन। कहने का मतलब ये है कि इनकम्प्लीट एब्जॉर्प्शन क्यों हो रहा है, वो परफेक्ट एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। परफेक्ट एब्जॉर्प्शन आप ब्लैक बॉडी में ही देख सकते हैं, आप ब्लैक होल्स में ही देख सकते हैं जो कि रेडिएशन को एब्जॉर्ब करते हैं, और हमारे यहाँ ऐसे मटेरियल्स नहीं है जो परफेक्टली ब्लैक बॉडीज हो।
ठीक है। अब मैं रुक इसलिए गया कि मैं सोच रहा हूँ कि आपको ब्लैक बॉडी बता दूं कि नहीं। हाँ, एक ताजुब वाली चीज बात समझ लीजिए, हीरा, डायमंड, डायमंड भी एक ब्लैक बॉडी है। हो सकता है आपको ताज्जुब हो रहा हो, हीरा इतना चमकीला और सर ब्लैक बॉडी कह रहे हैं, कहीं फूंक मुक तो नहीं लिया, बशर्ते ये सच है। ब्लैक बॉडी का बात ये होता है कि अगर रे के पार्टिकल इसमें गए तो इसमें लड़के इसी में अब्जॉर्ब होके रह जाते हैं, यहां से कभी निकल नहीं पाते हैं। तो डायमंड की भी कटिंग इस ऐसे करी जाती है कि उसमें लाइट एक बार जाए तो निकल ना पाए जल्दी, बशर्ते वो लाइट्स निकलते हैं, और वही लाइट्स जब निकलते हैं तो हीरा अंधेरे में कभी कभार चमकता है, ठीक है ना। तो ये चमक हल्का सा दिखती है क्योंकि वो ब्लैक बॉडी है, और मैंने कहा कि हमारे पास कोई परफेक्ट ब्लैक बॉडी अभी तक अवेलेबल नहीं है, ठीक है ना। तो इसीलिए वो कभी कभार चमकती है क्योंकि वो नियर परफेक्ट है, बट परफेक्ट नहीं है। नियर परफेक्ट होती तो वो नहीं चमकता, परफेक्ट होती तो हीरा कभी नहीं चमकती। ओके, एन आइडियल बॉडी विच एमिट्स एंड एब्जॉर्ब्स रेडिएशन फॉर ऑल फ्रिक्वेंसीज यूनिफॉर्मली इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी। अब ब्लैक बॉडी का डेफिनेशन देखिए कि नियरली जो भी रेडिएशन होता है उनको एब्जॉर्ब करता है और सभी फ्रिक्वेंसीज को, एंड द रेडिएशन एमिटेड बाय सच अ बॉडी इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी रेडिएशन। और कभी कभार जो रेडिएशन इससे हो रहा है उसी को हम कहते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ठीक है। इन प्रैक्टिकल नो सच बॉडी एग्जिस्ट, समझ में आया ना। कार्बन ब्लैक अप्रोक्सीमेट फेयरली क्लोजली टू ब्लैक बॉडी। कार्बन ब्लैक बहुत ही नियर परफेक्ट ब्लैक बॉडी होती है, कार्बन ब्लैक का जब वो बनाया जाता है। अ गुड फिजिकल अप्रोक्सीमेशन टू अ ब्लैक बॉडी इज अ कैविटी विद अ टाइनी होल व्हिच हैज नो अदर ओपनिंग। वही चीज, ए टाइनी होल जहां से ये एंटर किया है उसके बाद कोई ओपनिंग नहीं है, तो इसी में ये रेज आपस में लड़ते जा रहे हैं। एनी रे एंटरिंग द होल विल बी रिफ्लेक्टेड बाय द कैविटी वॉल एंड विल इवेंचुअली एब्जॉर्ब बाय द वॉल्स, और उसी वॉल में एब्जॉर्ब होता है, हो जाए। अ ब्लैक बॉडी इज ऑल्सो अ परफेक्ट रेडिएटर ऑफ द रेडिएंट एनर्जी। क्या है ना कि अगर वो एब्जॉर्ब कर रहा है तो उतना ही अच्छा रेडिएशन भी होगा। अगर जो परफेक्ट एब्जॉर्प्शन करता है तो परफेक्ट रेडिएशन भी करेगा, ठीक है, परफेक्ट रेडिएटर भी होगा। फर्दर मोर द ब्लैक बॉडी इज थर्मल इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद इट्स सराउंडिंग। कहने का मतलब ये है कि जब इसमें गया, जितनी एनर्जी रेडिएशन इसमें से इसमें जा रही है और उतना ही रेडिएशन इससे बाहर निकल रहा है, तो मतलब कि इसके टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आएगा, मतलब कि ये एक थर्मल इक्विलिब्रियम में होगी, मतलब कि डेल्टा टी विल बी इक्वल्स टू जीरो, मतलब कि तापमान का अंतर समय के हिसाब से जीरो रहेगा, ठीक है। इट रेडिएट्स सम अमाउंट ऑफ द एनर्जी पर यूनिट एरिया। ये जो जाहिर सी बात है, एक पर्टिकुलर एरिया से एक सम अमाउंट ऑफ फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी रेडिएट करेगा, रेडिएशन की बात आ रही है। ओके, द अमाउंट ऑफ इट एब्सॉर्ब, अवशोषित भी करता है, एमिट करेगा तो अवशोषित, परफेक्ट की बात कर रहे हैं तो सभी चीजें, जो जाएगा वो आएगा, जो बनेगा वो खत्म भी होगा। द अमाउंट ऑफ लाइट एमिटेड फ्रॉम द ब्लैक बॉडी एंड इट्स स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड्स ओनली अपॉन द इट्स टेम्परेचर। तो ये ब्लैक बॉडी का जो स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन है इसके टेम्परेचर पे डिपेंड करता है केवल और केवल। इसका बहुत प्यारा सा एग्जाम्पल आप हीट में पढ़ेंगे, फिजिक्स में बहुत ही गजब तरीके से समझाया जाएगा। मैं भी अगर जो फिजिक्स पढ़ाया तो जरूर समझाऊंगा। एट अ गिवन टेम्परेचर इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन एमिटेड इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन ऑफ वेवलेंथ। एट अ गिवन टेम्परेचर इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन इंक्रीज होता है विद द इंक्रीज ऑफ वेवलेंथ, वेवलेंथ इंक्रीज करने पर भी, ठीक है, रीचेस अ मैक्सिमम वैल्यू एट द गिवन वेवलेंथ एंड देन स्टार्ट डिक्रीजिंग विद फर्दर इंक्रीज ऑफ द वेवलेंथ। मतलब कि अगर जो गिवन टेम्परेचर पे हम इनका रेडिएशन बढ़ाते हैं तो वो पहले इंक्रीज होगा फिर डिक्रीज भी हो जाता है। फिगर 2.8 पे देखिए, तो ये इंटेंसिटी है और ये वेवलेंथ है, ठीक है। इनकी इंटेंसिटी जो होगी, एक देखिए बढ़ रहा है, एक टेम्परेचर वन, पहले टेम्परेचर वन की बात करें तो टेम्परेचर वन पे एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की इंटेंसिटी बढ़ रही है, ठीक, उसके बाद घट जाएगी।
दूसरे टेम्परेचर पे, एक दूसरे पर्टिकुलर टेम्परेचर की कलर की इंटेंसिटी, स्पेक्ट्रम की इंटेंसिटी बढ़ेगी फिर घट जाएगी। कहने का मतलब ये है, समझ लीजिए, आपने याद किया ना कि स्टार्टिंग में रेड था फिर ब्लू हो गया, हाँ वही चीज यहाँ पे समझाई जा रही है कि मान लीजिए टेम्परेचर को इंक्रीज किया जा रहा है, एक टेम्परेचर पे रेड वाला एकदम बढ़ गया फिर इंटेंसिटी कम हो गई, लेकिन दूसरे टेम्परेचर पे अगर जो इसके आगे बढ़ रहा था, तो एक तीसरा ग्राफ में भी दिखाता हूँ कि यहाँ पे ऐसे हो सकता है ब्लू वाला बढ़ा हो और फिर कम हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से चीजें आती हैं इसमें। ओके, ऑल्सो एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस मैक्सिमा ऑफ द कर्व शिफ्ट टू शॉर्ट वेवलेंथ। अब ये जो मैक्सिमा ऑफ कर्व है, अब देखिए ये टेम्परेचर वन जो है, कहने का मतलब कम है, और ये टेम्परेचर टू है ज्यादा होगा, यहाँ पे देखिए लिख भी दिया गया है कि टू इज, और ये कह रहा है कि ये जो मैक्सिमा होगी ना उसकी, वो लोअर वेवलेंथ की तरफ मुड़ जाएगी। पहले करीब 1500 के आसपास था मैक्सिमा, मैक्सिमा मतलब सबसे ज्यादा इंटेंसिटी इतना था, लेकिन टेम्परेचर टू पे ये मैक्सिमा शिफ्ट होके इस लेवल पे आ गया है, मतलब कि यहाँ पे आ गया है, ठीक है ना। सेवरल अटेम्प्ट्स वर मेड टू प्रेडिक्ट द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन एंड फंक्शन ऑफ वेवलेंथ। तो बहुत सारे अटेम्प्ट किए गए कि ये इंटेंसिटी, ये कलर, ये रेडिएशंस टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड कर रहे हैं, या फिर कितना टेम्परेचर चेंज करे तो कौन सा, मतलब कि एक फार्मूला फंक्शन, मतलब एक फार्मूला निकालने की कोशिश करी गई। बट द रिजल्ट ऑफ द एवक एक्सपेरिमेंट कुड नॉट बी एक्सप्लेन्ड सेटिस्फैक्टरली ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। अब ये वेव थ्योरी पे क्लियर नहीं किया जा सकता था। अब मैक्स प्लैंक अराइव्ड एट द सेटिस्फैक्टरी रिलेशनशिप। अब मैक्स प्लैंक ने इसको सेटिस्फैक्टरी तरीके से समझाया। By making an assumption that absorption and emission of radiation arises from the oscillator, that is, atom in the wall of black body, जो है इन्होंने assume किया that absorption and emission of radiation, जो absorption हो रहा है या emission हो रहा है, वो एक oscillator से हो रहा है, जो कि oscillation हो रहा है उस body के, जिस चीज से, जिस material से वो body बनी हुई है, उसके एटम में ऑसिलेशन से हो रहा है, ठीक। देयर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन इज चेंज बाय इंटरेक्शन विद ऑसिलेटर्स ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। कहने का मतलब ये है कि एक हमारा मटेरियल, मटेरियल का ऑसिलेटर हो गया, ऑसिलेटर मतलब समझ लीजिए एक तरह से एटम की ही बात हो रही है जो ऑसिलेट कर रहा है, हिल डुल रहे हैं, कंपन कर रहे हैं एक पर्टिकुलर उसके बाद। और दूसरा बात यहाँ पे जो कहा है कि ऑसिलेटर ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, दूसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के ऑसिलेटर, यहाँ कहने का क्या मतलब है, अगर जो यहाँ ऑसिलेटर एटम है तो यहाँ ऑसिलेटर क्या है, यहाँ एटम पार्टिकल है, पार्टिकल है तो यहाँ ऑसिलेटर क्या है, मतलब कि वो भी कहीं ना कहीं पार्टिकल ही है, ठीक है ना। प्लैंक अज्यूम्ड दैट रेडिएशन कुड बी सबडिवाइडेड इनटू द डिस्क्रीट चंक्स ऑफ एनर्जी। कहने का मतलब ये है कि अगर ये ऑसिलेटर ईएमआर के ऑसिलेटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के ऑसिलेटर चंक्स ऑफ एनर्जी में हम कन्वर्ट करते हैं, और इसी चंक्स ऑफ एनर्जी को यहाँ इलेक्ट्रॉन कहा जाता था, तो यहाँ एटम कहा जाता था, यहाँ या फिर कोई भी पार्टिकल कहा जाता था, तो यहाँ फोटॉन्स कहे जाएंगे। He suggested that atom and molecules could emit and absorb energy only in discrete quantity and not in continuous manner। कहने का मतलब ये है कि ये पार्टिकल जितना एनर्जी अपने अंदर कैरी करेगा वही तो एब्जॉर्ब कर पाएगा, ठीक है ना। ही गेव The name quantum, यही एक, इसको ही उन्होंने, अब हल्का सा पीछे करते हैं, पहले नाम क्वांटम दिया कि एक डिस्क्रीट मैटर, एक डिस्क्रीट यूनिट, टू द स्मॉलेस्ट क्वांटिटी ऑफ एनर्जी दैट कैन बी एमिटेड और एब्जॉर्ब इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो वही एक क्वांटम बोले, क्वांटम बोले जिसको बताए कि यही एक क्वांटम है, यही एक पार्टिकल है जो कि मिनिमम एनर्जी रिक्वायर करता है, जो कि रेडिएशन करा सकता है
या एब्जॉर्प्शन करा सकता है। एब्जॉर्प्शन और रेडिएशन के लिए बहुत जरूरी है द एनर्जी, और यही जो क्वांटम है, लाइट के क्वांटम को फोटोन बोला गया, जो ऊपर मैंने बताया। द एनर्जी ऑफ अ क्वांटम ऑफ रेडिएशन इज प्रोपोर्शनल टू इट्स फ्रीक्वेंसी। अब देखिए दिया जा रहा है कि जो ये एनर्जी होगी वो इसके फ्रीक्वेंसी की प्रोपोर्शनल होगी, फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल, जो कि ये है। तो एनर्जी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्वांटम ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, तो अब यहां प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाने के लिए आप जानते होंगे कि एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है, जहां पे एच लगाया गया जो कि है प्लैंक कांस्टेंट। ठीक, अब दिस इज एक्सप्रेस्ड बाय द इक्वेशन एच इज E is equals to H nu, याद करिएगा। एक इसी तरह का एग्जांपल देखा है हम लोगों ने पीछे। The proportionality constant H is known as Planck constant and have value of this joule second, कि इतना जूल एनर्जी सेकंड में ट्रांसफर कर देता है। ठीक है, विद दिस थ्योरी प्लैंक वॉज एबल टू एक्सप्लेन the distribution of intensity in the radiation from black body as function of frequency or wavelength at different temperature. और इस थ्योरी से उन्होंने क्लियर किया कि इसीलिए जो ये ब्लैक बॉडीज हैं एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी वो करते हैं, जिस फ्रिक्वेंसी का एब्जॉर्प्शन उसी फ्रिक्वेंसी का लगभग एमिशन होगा, हल्का सा डिफरेंस हो सकते हैं क्योंकि कुछ एब्जॉर्प्शन भी होगा। क्वांटाइजेशन हैव बीन कंपेयर्ड टू स्टैंडिंग ऑन अ स्टेयरकेस। आप क्वांटाइजेशन को एक स्टेयरकेस की तरह, एक सीढ़ी की तरह देख सकते हैं, एक सीढ़ी की तरह देख सकते हैं। अ पर्सन कैन स्टैंड ऑन एनी स्टेप ऑफ द स्टेयरकेस बट नॉट पॉसिबल फॉर हिम टू स्टैंड बिटवीन द टू। यहाँ पे कोई खड़ा नहीं हो सकता, या तो यहाँ पे खड़ा होगा या तो यहाँ पे खड़ा होगा, इस लेवल पे, यहाँ इस लेवल पे कहीं कोई खड़ा नहीं हो सकता। ठीक है ना, यही चीज है। द एनर्जी कैन टेक एनी वन ऑफ वैल्यू, एक अपने हिसाब की वैल्यू लेगी फ्रॉम द फॉलोइंग सेट बट कैन नॉट टेक एनी वैल्यू बिटवीन देम। तो मतलब कि अगर जो लेगी तो कुछ नहीं लेगी, या तो एक यूनिट लेगी, दो यूनिट लेगी, तीन यूनिट लेगी, या फिर एन यूनिट लेगी। ठीक है, तो वही एक एग्जाम्पल दिखाया गया कि लाइट को जब यहाँ पे भेजा गया मेटल सरफेस पे, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन वो हुए और यहाँ करंट फ्लो किया। ठीक है, डिटेक्टर। तो ये सारी चीजें रही, मुझे लगता है फोटो इलेक्ट्रिक का इफेक्ट के बारे में आगे बात करेंगे, क्योंकि यही एक्सपेरिमेंट वहाँ कंटिन्यू करेंगे हम लोग। ठीक है, और यही डिस्क्रिप्शन का ख्याल रखते हुए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा जाएगा कि एक पर्टिकुलर अमाउंट ही लेगा, या तो 1.5 या फिर 1.57312, ऐसा कोई एनर्जी लेवल नहीं होता है। ठीक है, तो समझ, उम्मीद करता हूँ कि काफी हद तक समझ में आया होगा पार्टिकल का ड्यूअल नेचर, और आपने ड्यूअलिटी को काफी अच्छे से समझा होगा। यहाँ पार्टिकल नेचर के बारे में काफी अच्छे से समझा होगा कि कैसे ये सभी चीजें बिहेव कर रही हैं, कैसे एक डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम में एमिट हो रही हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू वेरी मच।